पंकज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाजी, ये बहुत ही कमाल के और टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। अश्विनी जी की जो पिछली फिल्म थी नील बटे सन्नाटा, बहुत ही कमाल की फिल्म थी, और अब इन्होंने बरेली की बर्फी जो है वो डायरेक्ट की है। अच्छा, ये आपके मियाँ जी ने लिखी है ना, नितेश तिवारी जी ने? जैसे नितेश सर जो भी फिल्में लिखते हैं अपनी, वो खुद ही डायरेक्ट करते हैं, आपकी डायरेक्ट की हुई दोनों फिल्में भी उन्होंने लिखी हैं, तो वो आपको ऐसे प्यार से देते हैं कि एज ए वाइफ आप छीनती हैं हक से? उनके पास कोई ऑप्शन है? तो मतलब बीवी चाहे डायरेक्टर हो, बीवी होती है। वाह, ये बात कॉन्फिडेंस है वाइफ का। अच्छा, वैसे जो नॉर्मल हम जैसे परिवारों में जो बीवियां होती हैं अपने पति से पूछती ना कि तैयार होके मैं कैसी लग रही हूँ, आप अपनी फिल्म का सीन शूट करके पूछती हैं उनसे कभी ऐसे? वो पूछते हैं आपसे कभी? आई थिंक हाँ, वो कभी कभी कलर्स वलर्स में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज मेन यूजली डोंट कलर्स में उनको इश्यू होता है ना। ओके, कलर ब्लाइंड होते हैं वो। तो मतलब डायरेक्टर जो है पति वो बेचारा ही है। बंदे कलर ब्लाइंड होते हैं। इतना अच्छा लाल स्वेटर पहना बाजी आप। पर हमें बड़ी खुशी हुई सीमा जी आपको देख के। पंकज भाई को तो मैं मिला हूँ, पहले भी जानता हूँ। सीमा जी, हम लोग आप लोगों को हम लोग के टाइम से देखते आ रहे हैं। सीरियल आता था ना भाजी, पहला सीरियल। अच्छा, लड़कियों को ना ये बड़ा होता है कि मैं बड़ी ना लगूं, मैं उम्र में छोटी दिखूं। आपने बड़की का रोल कैसे कर लिया था उस उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में? देखो ना, अभी तक बरकरार कर रही हूँ उस चीज को कि अभी भी बड़ा ना माने मुझे लोग, ये बार बार माँ 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 बोले जा रहे। देखो, मैं तो फूल भी लगा के आ गई इसीलिए। और पाजी, दूसरी बार सास बनी मेरी, तीसरी बार। एक बार तो आपकी मम्मी बनी है ये। मम्मी नहीं, कभी नहीं बनी। मैं माँ की नजर से देखा ही नहीं कभी इनको। तो ये तीसरी बार आपके दामाद बने हैं जी। आपको इतने पसंद है एज ए दामाद ये? क्या करूं, कोई और जचता ही नहीं। अच्छी बात है, और रहना चाहिए, चाम रहना चाहिए जी। मगर भाई, आप आपके बारे में सुना, जब आप पहली पहली बार मुंबई आए थे, आप सीधा रामगोपाल वर्मा के ऑफिस गए थे? हाँ, उनके ऑफिस के बाहर गया था। अंदर का बाहर ही जाते, अंदर तो पहले पहले जाने नहीं देते। तो फिर क्या सोच के आप उन्हीं के पास गए थे? नहीं, लगा था कि हमारे तिरछे दिखते हैं गुंडा टाइप के, तो गुंडों को काम वहीं देते थे। अरे उस वक्त तो सर, उस समय पे रामू जी के ऑफिस के बाहर ऐसे खतरनाक खतरनाक, जिसको कटमार्क नहीं होता था वो लगा के आता था। अच्छा, रामू जी को वैसे ही लोग अच्छे लगते थे जिनको कटे फटे हुए हैं। तो मैं भी सोचा कि मैं भी वैसा हूँ, तो पहुँच गया। पर अब आप अच्छा नाम बना चुके हैं बॉलीवुड में अपना। अच्छा, हर फिल्म में डकैती, चोरी, किडनैपिंग, बंदूकें, गैंग बस्तीपुर में बकरे काट रहे हैं आप। सडनली आप अभी हलवाइयों का काम कर रहे हैं इस फिल्म में। आपको कैसा घुटन तो नहीं महसूस हो रही? नहीं, मेरे हाथ में चाकू छुरियां निकाल के मुझे इमरतियां लड्डू समोसे पकड़ा दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। उसका क्रेडिट जो इन्हीं को जाता है, नील बट्टे सन्नाटा में पहली बार मुझे एक आम आदमी का रोल दिया था इन्होंने, टीचर का, जो पढ़ाता है, जो काटता नहीं है। रोल था सिद्धू पाजी, आम आदमी से उनका मतलब आम आदमी। पाजी कांग्रेस से है ना, तो मुझे लगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.